आज हम मूंग दाल का डोसा बनाएंगे। इसके लिए हम मूंग दाल भिगा लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा अदरक हरी मिर्च लेंगे और इसको पीस लेंगे। पीसने के बाद इस तरह का इसका बैटर हो जाएगा। इसमें हम डालेंगे एक चम्मच सूजी का, एक चम्मच ही हम बेसन का डालेंगे। इससे क्रिस्पी बनेंगे हमारे डोसा। इसको अब हम पीस लेंगे थोड़ा सा पानी डालते हुए। इस तरह का बैटर देखिए तैयार हो जाएगा। इसमें हम थोड़ा सा हल्दी डालेंगे। हल्दी से डोसा का कलर बहुत अच्छा आएगा। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा हम इसको फेटेंगे। 10 मिनट तक फेटने के बाद ये फ्लफी हो जाएगा। इसको ढककर साइड रख देंगे। 10-15 मिनट ढकने के बाद हम इसको खोल लेंगे। इसमें अब हम नमक डालेंगे। देखिए नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिए। बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है। इसको अब हम फेंट लेंगे अच्छे से और फिर हम इसका इस तरह से तवा पे, नॉनस्टिक तवा पे आप पतला पतला डोसा बनाइए। थोड़ा सा ऑयलिंग कीजिए। बहुत ही अच्छा डोसा बनकर ये तैयार होता है। बहुत ही क्रिस्पी बनता है क्योंकि इसमें सूजी डला हुआ होता है, बेसन डला हुआ होता है। और ये देखिए बहुत ही टेस्टी से हमारा डोसा इस तरह से बनकर रेडी हो जाएगा। तो आप लोग भी इसको बनाकर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय।